टाइप्स ऑफ सीरम या यू कहूँ टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड्स जो कि ह्यूमंस की एबिलिटी को एनहांस करते हैं, साथ ही उन्हें सुपर पावर्स भी ग्रांट करते हैं। नंबर 5 पे है गॉब्लिन सीरम। 2002 की स्पाइडरमैन मूवी में नॉर्मन ऑस्मॉन और उसकी टीम ऑसगॉब में एक सीरम पे काम करती है जो कि यूजर के स्ट्रेंथ, स्टेमिना और स्पीड को बढ़ा देती है। पर इसका एक ड्रॉबैक है कि इसको यूज करने वाला मेंटली अनस्टेबल हो जाता है या सिंपली बोलो तो पागल हो जाता है। नंबर 4 पे है सुपर सोल्जर सीरम। सुपर सोल्जर सीरम को हमने सबसे पहले कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में देखा था, जहां इस सीरम को अच्छे से यूज करने के लिए बीटा रेस का यूज किया गया था, जिससे यह सीरम कुछ हद तक स्टेबल बन जाता है और यह सीरम स्टीव को सिकुड़ी हड्डी से सीधा जवान मुस्टंडा बना देता है, साथ ही उसे सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड भी प्रोवाइड करता है। नंबर 3 पे है एक्सट्रीमिस सीरम। ये यूजर को एक्सोथर्मिक एबिलिटी और हीलिंग फैक्टर प्रोवाइड करती है। नंबर 2 पे है कंपाउंड वी। द बॉयज यूनिवर्स के हर एक सो कॉल्ड सुपर हीरोज को इसी सीरम से पावर मिली है और इसे वॉट नाम की कंपनी ने बनाया है और अब तो सीजन 3 में V24 भी आ गया है। एंड नंबर 1 पे है वेलोसिटी एक्स। ये सीरम एक सीरीज ऑफ ड्रग है जो कि हमें फ्लैश के CW सीरीज में दिखा था। ये अपने यूजर को स्पीड फोर्स का टेंपरेरी एक्सेस देता है, जिससे इसका यूजर फ्लैश की तरह सुपर स्पीड में भागने लगता है।